सत श्री अकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम एलएल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो मैं आज वीडियो आपके लेके ले आया हूँ वो वीडियो है इंडिया वेब न्यूज की। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, इंडियन वेब न्यूज को जाके सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी वीडियोज बनाते हैं। तो जो इन्होंने दिया है, पाक पत्रकार की जबरदस्त ठुकाई, पाक मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट इंटरनेशनल। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो कमरू चीमू है, हराम का पिल्ला है, उसकी ना वीडियो है ये अपने सुमित भाई की। आपको याद होगा, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि मैंने इस पे बात की हुई है कि कमरू चिम्मू कैसे जेलस में बात कर रहा था सुमित भाई पे, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पे। और उसने ये मुद्दा उठाया था कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट लगा लो, मोदी साहब की है, वो सेम टू सेम एज ऐसे गवर्नमेंट है जैसे पाकिस्तान की नलायक और कोवर्ड आर्मी है। ऐसे ऐसे पीएम मोदी उस रूल चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बकवासबाजी थी। तो मेरे को ना, मैं आपको दिखाना चाहता था, मैं आपको पता कहते बता क्यों नहीं आपको इनकी डायरेक्ट वीडियो लेके आता, कमरूची में की होगी और जो इनके मदरसा साहब जी कमरूची में जैसे हैं, ये ना स्ट्राइक मारते हैं। आपको मेजर गौरवारिया सर ने, आपने कई बार सुना होगा कि ये ना स्ट्राइक का पंगा होता है, ये स्ट्राइक मार देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो आपने जो घुमा के आपको वीडियो दिखाई जाए ताकि इनको व्यूज ना मिले। एक तो मेरा ये कारण होता है कि इनको व्यूज ना मिले, इसलिए मैं इनकी डायरेक्ट वीडियो नहीं चलाता कभी भी। और मैं कोशिश करता हूं कि जो इंडियन भाई ने किसी ने वीडियो बनाई हुई है ना, मैं उसको रेड करूं ताकि हमारे इंडियन भाई को व्यूज जाए, इंडियन भाई का प्रमोशन कर सकूं मैं। तो कमरू चीमू या फिर पाकिस्तानी यूट्यूबर चैनल को मैं डायरेक्टली ना कर पाऊं। तो मेरा एक रीजन ये भी होता है कि इसलिए मैं इंडियन यूट्यूबर चैनल को ही ज्यादा मोस्टली प्रेफर करता हूँ कि अगर उसने कोई वीडियो ऐसी बनाई हुई है जिसपे मैं बात करना चाहता हूँ आप लोगों से, जहाँ आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, तो उसके थ्रू दिखाऊं, ठीक है, ताकि मेरे देश का पैसा मेरे मेरे भाई को मिले, इंडियन यूट्यूबर को मिले, इंडियन भाई तरक्की करें, ठीक है। तो ये रीजन होता है। दूसरा रीजन ये होता है, वैसे तो वो रीजन इनवैलिड सा है मेजर गौरवारे सर के लिए, लेकिन यार मेहनत की होती है। मेजर गौरवारे सर जैसे आपको वीडियो कह देते हैं कि स्ट्राइक का मामला होता है, तो होता है यार, मैं इतनी मेहनत से चीज शुरू की होती है, पोर्कियों तो कुछ जाता नहीं, क्योंकि इन्होंने अपनी लकीर ऊपर नहीं करनी, इनके इन्होंने दूसरों की जड़ें काटनी है, ठीक है। मेजर गौरवारिया सर की वीडियो पे हर पाकिस्तानी कब देता है, इंडियन यूट्यूबर पे हर पाकिस्तानी देता है, लेकिन इंडियन यूट्यूबर बहुत कम स्ट्राइक्स देते हैं। लेकिन ये यूट्यूबर ऐसे हराम के पिल्ले हैं, ठीक है, जो मिनट नहीं लगाते, एक मिनट से पहले आपको इंडियन यूट्यूबर को स्ट्राइक मार देते हैं। तो इसी वजह से ये है। चलिए मैं आपको इस कमरू चीमे का, आप बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, जब मैं वीडियो स्टार्ट करूंगा ना, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, इसका जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन तो वैसे करता नहीं साला, बड़ी बड़ी लंबी लंबी ये कमरू चीमा हराम का पिल्ला बड़ी बड़ी लंबी लंबी समरी पेश कर देता है आगे। इसको कई लोगों ने बोला है कि इतने इतने लंबे लंबे क्वेश्चन नहीं होते, क्वेश्चन होते हैं क्योंकि ये फेक डॉक्टर बना हुआ है, फेक पीएचडी है, ठीक है, अमेरिका भाग गया अब, या वहां पे रह रहा है, पाकिस्तान छोड़ के भाग चुका है। तो ये सुमित भाई को बैठाता है। सुमित भाई मेरे ख्याल से जाना कम कर दिया है, सुमित भाई ने भी इनको लात मार दिया, जहां तक मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है, जैसे मेजर गौरवारिया ने लात मारी थी सर ने, वैसे ही अब सुमित भाई भी शायद इनको लात मार के भाग गए हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अंदर से जहरीले सांप हैं, ठीक है। तो आपको जहरीलापन दिखाने के लिए जिसपे मैं मेरे को अंदर से तकलीफ हुई थी, वो वीडियो मैं दिखा रहा हूं। इसकी जब मैं वीडियो स्टार्ट करूंगा ना, आपने इसका क्वेश्चन देखना है और इसकी शक्ल देखना है, और देखना ये कैसे कुत्तों की जैसे, सूरों की जैसे स्माइल करेगा जब सुमित पीर भाई इसको रिप्लाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो ये हराम का पिल्ला है, एक किस्म का कमर चीमा, बहुत हरामी बंदा है, बहुत हरामी। और आरजू कर्मी भी ऐसी है, और आलिया शाह भी ऐसी है, फकर जितने भी मान लो आप इनके यूट्यूबर है ना, मदरसा साहब, और जो भी शौब चौधरी है, या कोई भी आप लगा लो, ठीक है, ये सब हरामी है। आज मैं आपको इसका हरामी पूरा दिखाता हूं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, हो सकता है मेरे को बीच में ही बोलना पड़े, लेकिन एंड पे मैं अपना तबसरा जरूर करूंगा, तो पूरी वीडियो देखना आपको समझ आएगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बीजेपी की सरकार ऐसी है जैसे पाकिस्तान पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। आपका जो कंपैरिजन है वो एक 100 बिलियन की वोट दिए, 1 बिलियन लोग जिसको वोट देके जिस सरकार को लाते हैं उनका अपमान है। आप उसको पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से कंपेयर करते हैं, जहां कोई भी जिसकी मर्जी हो, जिसका सत्ता चले वो बैठ जाता।
बीबीसी कुछ भी बना देगा, मैं आप बताता हूँ बी। अब मैं आपको बात बताता हूँ, देखा इसने क्वेश्चन क्या किया है? अगर आपने नहीं सुना ना तो मैं ये दोबारा चलाता हूँ, क्वेश्चन सुनना, मैं उस पर पॉज करूंगा। मैं ना आपको ये समझाता रहता हूँ, बड़े हिंदुस्तानी है कमरू चीमू, तुम बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो वो कर रहे हो, इसका क्वेश्चन सुनना, मैं दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ, सुनना क्वेश्चन सुनो। बीजेपी की सरकार ऐसी है जैसे पाकिस्तान पे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, सुना? बीजेपी की सरकार ऐसी है जैसे मिलिट्री, इनकी मिलिट्री है जैसे, बीजेपी ना कत्ल करती फिरती है दुनिया में, इनके मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में सबके सब पीएम, पीएम सीएम डीएम सबको मार के रख दिया है, तो ये कह रहा है, इसको कंपेयर कर रहा है इसकी, देखा आप लोगों के मेंटालिटी समझ आई? मैं इसी मेंटालिटी पे रोकता हूं, हिंदुस्तानी जाके इसको सब्सक्राइब कर करके कमर चीमा, अच्छा बंदा बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, हराम का पिल्ला है एक नंबर का ये साला कमरू। मैं तो इसको यूट्यूब का अगर नाम मेरे यहाँ पे ऐसे लोग ना तो इसके तो मैं माँ बहन एक करके रख देता, ये है इसकी असलियत। आपका जो कंपैरिजन है वो एक 100 बिलियन की वोट दिए, 1 बिलियन लोग जिसको वोट देके सरकार को इसके हराम के पहले सूअर की, आप उसको पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से कंपेयर करते हैं जहाँ कोई भी जिसकी मर्जी हो जिसका सत्ता चले वो बैठ जाता। तो बीबीसी कुछ भी बना देगा, मैं आप बताता हूँ बीबीसी को क्या बनवाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, गिनो आपको, बीबीसी को बोलो, आपके जो मित्र है बीबीसी में बोलो, बोलो जो बंगाल फेमिन में तुमने किया था, हमारे 40 लाख लोग मारे थे उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाओ। बीबीसी को बोलो जो ब्लडी फ्राइडे था या ब्लडी संडे आयरलैंड में जो तुमने निहत्ते लोग बनाए उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाओ। बीबीसी को बोलो आज आप जाके बोलो, बोलो जो तुमने जलियांवाला बाग में किया था उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाओ। बीबीसी को बोलो जो तुम यहाँ से $45 ट्रिलियन लूट गए थे उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाओ। बीबीसी अपने मित्रों को जाके आप बोलो जो हमारा आप हमें फ्रेजाइल 5 पे छोड़ गए थे, आज हम टॉप 5 पे, तुम्हें $350 बिलियन से पछाड़ा, यू विल नेवर बी एबल टू रिकवर, उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाओ। बीबीसी को आज बोलो चीमा साहब which you looted $45 trillion from us, which is was 50% of world GDP, उस पर डॉक्यूमेंट्री बना। आज इनको बोलो हमारी लिटरेसी रेट 19-20 पे छोड़ गए थे, आज 80 है, उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाओ। इतने कम टाइम में किसी कंट्री ने कैसे कर लिया। बीबीसी को बोलो कि आज तुम एक छोटा सा आइलैंड रह गए, वी हैव बिकम अ ग्लोबल पावर, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारे सारे रिजर्व तुमसे ज्यादा, हमारी फायर पावर एनी वेयर अहेड ऑफ यू, उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाओ। और उनको बोलो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी तुम 40 साल पे छोड़ गए, आज लगभग लगभग 75 साल आ गए, उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाओ ये सब 75 साल में कैसे। और बीबीसी को इस डॉक्यूमेंट्री पर बताओ कि चर्चिल माफी मांगे जब बंगाल फेमिन हुआ था, उसने इंडियंस ब्रीड लाइक रैबिट्स, लेट अ फ्यू मोर डाई। और बीबीसी को बोलो इस चीज पर डॉक्यूमेंट्री बनाए कि 8 साल के महाराज ने तुम्हें कोहिनूर कैसे गिफ्ट दिया था, इस पे डॉक्यूमेंट्री बनाओ ना। मैं काफी सारी चीजें दे रहा हूँ बीबीसी को डॉक्यूमेंट्री बनाने के, विच आर फैक्चुअली ट्रू। प्रोपोगंडा करके टीआरपी कुछ दिन तक मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। और बाकी लोगों को किसी का इंटरव्यू करना, जैक स्ट्रॉ का इंटरव्यू में जो मैंने सुना, मैंने देखा तो नहीं, उसने बोला कि सम पीपल ऑन द ग्राउंड टोल्ड लाइक दिस। अब किसने क्या ग्राउंड पे बोला, तो इज दैट अ गॉस्पल ट्रूथ? अगर फिर कुछ लोगों के कहने पे सुनना तो फिर अदालत की जरूरत क्या थी? तो आप कह रहे कि हमारी अदालतों को काम करना नहीं आता, 22 साल तक हम जख मार रहे थे। भारत की पॉलिसी है, भारत डज नॉट टेक शिट एंड प्रोपेगेंडा लाइंड अप। मैं आपको कुछ 5-6 फैक्ट्स बताऊंगा, देन यू विल गो सिस्टमैटिकली ओवर इट। ये जो पहली बार जो गुजरात का इंसिडेंट हुआ, अगर गोधरा नहीं होता तो गुजरात भी नहीं होता, पहली बात यह है, ये इसको हमें बिल्कुल वाजे और क्लियर करना चाहिए। दोनों अनफॉर्चुनेट है, दोनों नहीं होने चाहिए थे, आई पर्सनली बिलीव दैट। दूसरी बात, एक 22 साल इस पे प्रक्रिया हुई, जांच की प्रक्रिया 22 साल, 22 ईयर्स, एक हाई कोर्ट, सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। इस टाइम में से 2/3 ऑफ द टाइम कांग्रेस की हुकूमत थी, UPA 1 UPA 2 था, और अभी तो बीजेपी आया, मतलब 22 साल में से बीजेपी के 8 साल निकाले, बाकी कांग्रेस ही था, तो कांग्रेस की हुकूमत थी। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, बीजेपी यहाँ के जब पूरा गवर्नमेंट ने क्लीन चिट दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया, भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कोई आरोप नहीं है। फिर पॉइंट नंबर 5, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात की, बोला ये जो तीसरा से दलवाड़े जो 200 करोड़ के मेंशन में रहती है, जो इस पर कार्रवाई किया जाए, इस पर केस चला जाए, लोग के इमोशंस को यूज करने के लिए और फर्जी केस बनाने के लिए। एक DGP साहब थे आर वी श्री कुमार, वो भी अरेस्ट हुए, अभी शर्म की बेल हुई कुछ 2-3 दिन पहले। आर वी श्री कुमार वही है जिनका नाम रॉकेटरी में आता है, नंबी नारायण को फंसाने वाले। फिर एक मैथ्यू थे, वो अरेस्ट हुए। उसके बाद एक संजीव भट्ट है, वो तो खैर अब भी जेल में ही है। और कांग्रेस गवर्नमेंट ने 7.2 करोड़ का एड दिया था, ग्रांट दिलवाया था तीसरा सेहतलवाड़ के NGO को।
जिसमें से करीब 3 करोड़ उसने लेदर परफ्यूम, लेदर एसेसरीज, परफ्यूम, यॉचिंग पे, बोटिंग पे, फॉरेन ट्रिप पे खर्च किए। ये पैसा आया था कि गुजरात के लोगों की मदद करें, मदद वदद तो कुछ हुई नहीं। तो अब और उसके बाद क्या होता है, फिर ये सडनली 22 साल बाद जब हमारा इलेक्शन आने वाला 2024 में, बीबीसी को जी याद आता है ना, वो वैसे जैसे चीनियों के सपने में दद्दी जान आती, कहती ये टेरिटरी तुम्हारी, वो जग जाते नहीं नहीं ये हमारी हमारी, वैसे इनके सपने में भी पर दद्दी जान आ गई। पर उसने क्या बोला, अब तुम ये डॉक्यूमेंट्री निकालो, अगर ये डॉक्यूमेंट्री बनाई थी तो 22 साल क्यों लगे निकालने में। जब ये व्हेन दिस केस इज डन एंड डस्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तब आप इसको क्यों, वेयर यू कास्टिंग एस्पर्शन ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट भारत की जुडिशरी दुनिया में सबसे बड़ी जुडिशरी, सबसे ट्रांसपेरेंट जुडिशरी है। आप देखिए 135 साल लगे राम मंदिर के केस को, पर तब भी दूध का दूध पानी का पानी हुआ, राइट, बाबरी मस्जिद वाला। एक सौ मतलब सबसे बड़ी जुडिशरी, सबसे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर मशीनमेंट, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, अपोजिशन पार्टी की सरकार 70% का टाइम, 4 लेवल की ग्रिलिंग के बाद उन्हें वो कुछ नहीं मिला जो बीबीसी में क्या थे, बीबीसी में चीमा साहब 2-3 शर्लॉक होम्स का रीइनकार्नेशन हुआ, वो जर्नलिस्ट बन गए जन्म में। वो गए, उन्होंने वहीं से बैठे बैठे पता लगा लिया सब देख, मुझे लगता गए भी थे यूट्यूब में कॉपी पेस्ट कर करके कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनाकर जोड़ी, क्योंकि आजकल तो एडिटिंग में भी बहुत कुछ होता है। तो मुझे बताइए, जो भारत के लाखों लोग की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाए, वही 3 जर्नलिस्ट कर पाए, यार ये किस मिट्टी के बने, मतलब कहाँ से आए, ये सैटर्न से आए जरूर, सैटर्न या यूरेनस के, इनके कान ऐसे होंगे ना, ऐसे पीटर पार्कर होता ना स्टार ट्रक में, उसके कान खड़े होते हैं, वैसे ही 5 जर्नलिस्ट होंगे। फिर ये आए और इनका लोका ही क्या, लोका कुछ नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब यहाँ का पाकिस्तान कनेक्शन बताता हूँ आपको, इस मसले को यूके के पार्लियामेंट में उठाने वाला कौन, एक पाकिस्तानी मूल का एमपी। और ऋषि सुनाक जी ने क्या कहा, आई डोंट एग्री टू ऑल दिस कैरेक्टराइजेशन, स्टार्ट ओवर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके हैज रबिश दिस डॉक्यूमेंट्री बाय इन ऑन द इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ यूके, ये मैंने नहीं किया। और बीबीसी किस, बीबीसी को पैसे कौन देता है, सरकार, बीबीसी के पैसे कहाँ से आते, तनख्वाह के पैसे कौन देता, हवा पानी के पैसे सरकार देता, उसी सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को ब्रिटिश पार्लियामेंट के पटल पे, पटल मीन्स फ्लोर पे, हैज रबिश्ड एंड कॉल इट अ टॉयलेट पेपर। ठीक, अच्छा अब ये सुअर भौंकेगा इसलिए मैंने रोक दिया। अब देखो, आप लोगों ने इसके इंप्रेशन नोट किए, इस सुअर के कमर सुअर के इंप्रेशन नोट किए, हंस रहा है, यानी कि अंदर से मजाक उड़ा रहा है कि मैं, ये पता क्या करते हैं, ये पोक कर रहा है, ये इंडिया को पोक कर रहा है। ये देखो, पाकिस्तानी बीबीसी की न्यूज वो चल रही है, ये बीबीसी पे बात हो रही है, जो बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। तो मेरे, मैं इनसे थोड़ा सा, मैं वैसे बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सुमित पीर जी की, ये कैसे कह रहे हैं कि उस पर बनाओ, लेकिन ये उस पर भी चीमे को बोल रहे थे कि अपने दोस्त को बोलो, अच्छे तरीके से पेल रहे थे, लेकिन हमें क्यों बनाए, हम अपने पैसे दे के साली अपनी डॉक्यूमेंट्री तैयार करें ना, जैसे मैं हमेशा आपको बोलता आ रहा हूँ पीछे से कि हमें बांग्लादेश की डॉक्यूमेंट्री तैयार करनी चाहिए, हमें जले वाले वाग की डॉक्यूमेंट्री तैयार करनी चाहिए, फिर इनके मुंह पे ठोकनी चाहिए। ठीक है, हम क्यों कहते हैं बीबीसी ये करे बीबीसी वो करे, अबे हमें क्या लेना देना बीबीसी क्या करे ना करे। ठीक है, दूसरी बात, ये आपने सुअर जो कमर चीमा सुअर है, ठीक है, तो इसके इंप्रेशंस देखें कैसे, जब भी कर रहे थे तो टॉन्ट कर रहा था। मेजर गौरवारिया सर ने बिल्कुल सही किया, इनको लात, इनके पिछवाड़े पे लात मार के इनके चैनल पे जाना बंद कर दिया। ठीक है, ये मैं ना जब शुरू में मेजर गौरवारिया जाना शुरू हुए थे ना, जब मैंने चैनल शुरू किया था, मैं उस टाइम भी चिल्लाता था कि यार ये मेजर गौरवारिया बैठते हैं और उनके चैनल्स को ना, पता क्या होता है, आरजू कादमी का 15,000 सब्सक्राइबर था जिस दिन मेजर गौरवारिया सर बैठने शुरू हो गए थे, दिनों में ऐसे जा रहा था ऊपर ऐसे। ठीक है, तो जब भी हमारे यूट्यूब या हमारे एनालिस्ट अपने ये चैनल पे बिठाते हैं ना, तो इनका चैनल ऐसे ग्रो करता है, ऐसे अपने ये चैनल इन्होंने ग्रो किए, मेजर गौरवारिया सर को बात, ये सुमित पीर सर को भी अब समझ आनी शुरू हुई होगी मेरे ख्याल से, बाकी मेरे को पता नहीं, दोबारा जाना शुरू कर दें ना जाना कर दें, लेकिन मेरे को लग रहा है कि इन्होंने कम कर दिया, जहाँ कोई चक्कर पड़ गया है, अब सुमित पीर जी बहुत कम जाते हैं। ठीक है, और इनके चैनलों पे तो इंडिया को बैठना ही चाहिए यार, जब हमने बोल दिया, मोदी सर ने बोल दिया कि हमारा कोई काम ही नहीं है, तो हमारे एनालिस्ट क्या क्या करने जाते हैं इनके चैनल पे, इनको सीधा बोलोगे नहीं आना, हमने दफा हो, वो अपने जो जितने मदरसा शाप है ना एनालिस्ट हैं, वो ताड़क जैसे जहाँ लटरम पटरम, वो हमारा एक खान भी बैठ जाता है अमेरिका वाला, उनको बिठाते रहो। ठीक है, हमें हमें नहीं जाना, ये साले एक तो टैक्टिक सीखते हैं, ऊपर से टॉन्ट करते हैं हमारी बेइज्जती करने के लिए। ये इसकी स्माइल फेस देखा था आप लोगों ने, आपने इसका स्माइल देखा है कमरू चीमे का,
हराम का नंबर वन एक पिल्ला है, कुत्ते के बच्चे को पिल्ला बोलते हैं, मैं आपको बता देता हूं, एक नंबर का साला अपना मुल्क छोड़ के साला भाग के अमेरिका में बैठ गया, अपने मुल्क से प्यार करता है, और अपने मुल्क की जो करता है अपनी इसकी इंप्रेशन देखो, इंडिया के अंदरूनी मामलों पे टॉन्ट करता है ये साला, इसकी औकात क्या है साला फेक डॉक्टर की। अब यहाँ पाकिस्तानी एमपी, पाकिस्तान का एसपीआर, शक्ल देखो साले की, ये सब क्या चक्कर है, ये पाकिस्तानी करेक्शन आप इसमें कह रहे हो, इसको क्यों बैन किया, क्यों हरामी बंदा है, नंबर का बताओ, हम अपने देश में अपने सूअर के खिलाफ प्रोपेगेंडा होने देंगे क्या, बीबीसी का लोग क्या है यहाँ पे, अगर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जब ये घटना हुई तब बनाई ना, 22 साल तो क्या है, क्या कहाँ छुपा रखी थी, और जैक स्ट्रॉ का अब क्या लेना देना, ऐसे तो कितने लोग आए गए, और जैक स्ट्रॉ ने क्या बोला, सुमित भाई आप ये तो नहीं कह रहे पाकिस्तान ने करवाया सारा कुछ, मेरे से सुन ले सुअर, हाँ करवाया, अगर पाकिस्तान ने नहीं करवाया तो तू क्यों भौंक रहा है हमारी इंटरनल मामलों पे, बीबीसी ने बनाई है ना, बनाई है, हम जवाब देंगे बीबीसी को, तुम सुअर के बच्चे साले मुगलों की नाजायज औलाद, तुम्हारा हक क्या बनता है, तुम्हारा एक एमपी कैनेडा इंग्लैंड में पढ़ा, इंग्लैंड में पार्लियामेंट में कुत्तों की तरह क्यों भौंकता है, बाकी किसी कंट्री का नहीं भौंका, तुम्हारा ठीक है एक पत्रकार रिपोर्टर अमेरिका में वहां से स्पोक्स पर्सन से ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो हमें तो पता है कि तुम लोगों ने कुत्ता के पिल्लों ने किया है, अब सुमित भाई भी उसको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, इन सूरों का एक्सप्लेनेशन देने की क्या जरूरत है, इस सूअर के मुंह पे चपेड़ मारो, इसको बोलोगे नहीं आना नहीं आना, खत्म करो साला, अपना चैनल बनाओ ना सुमित भाई, अपना चैनल बनाओ, अपने चैनल पे इनकी पोल पट्टी खोलो, गालियां निकालो इनको, तभी इनके ये सूअर सुधरेंगे, ये आप समझा दिया ऐसा करना चाहिए ऐसा होना चाहिए, तुम्हारा कनेक्शन है, आप बोलोगे कि हाँ तुम्हारा कनेक्शन है, तो सुअर देख, आप सुअर के इंप्रेशन देखना, ये कमर चीमे के सुअर के, मैं कह रहा हूँ इसमें पाकिस्तान का कनेक्शन भी है कहीं ना कहीं, देखिए आपकी जो सिंक्रनी बैठती है ना हर जगह, आपकी सिंक्रनी यहाँ कुछ लोगों के साथ बैठती है, और यहाँ वहाँ आपके मूल का एम पी वहाँ ISPR कह रहा भाई ये दुनिया भर में इसको बड़ा मसला बनाने की कोशिश हो रही है, एक बात बताओ, हमने यहाँ सेटनिक वर्सेस भी तो बैन की, हमने कई सारी किताबें कई सारी पिक्चरें पहले भी तो बैन की, उस पर तो आप सवाल नहीं उठा रहे भाई सुमित भाई, वो बैन क्यों की, वो चलने देते देखते उसमें क्या है, हमें लगा लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है, कई पिक्चरें कई डॉक्यूमेंट्रियां बैन कर चुके, UPA भी NDA के टाइम में भी बैन हुई है, किताबें कई सारी मूवीज बैन हुई है, अगर हम अपने प्रधानमंत्री अपने देश के खिलाफ एक ब्लेटेंट प्रोपेगेंडा कैसे चलने दे, आप तो चाहते हो हिंदू मुसलमान हो, इलेक्शन से पहले एक नया तनाजा फैले एक नया लफड़ा हो, फिर आप बोलोगे देखो जी फैसिस्ट हिंदू गवर्नमेंट मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, मतलब देखिए तरकीब तो हमें भी समझ आती है बड़ा प्लान क्या है, पर आपका प्लान विफल हो गया, टेंशन ना ले। अच्छा सुमित भाई ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया, बहुत फैक्चुअल बातें हैं ये, ठीक है फैक्ट के साथ बात की है ये, सुमित भाई मेरे को एक बात बताओ, ये जो सुअर जिसको आप बात बता रहे हो ये समझेगा, ये कभी नहीं समझेगा, ये हम लोगों इंडियन को ये सुअर के बच्चे हैं ना, ये जितने यूट्यूबर हैं जितने आलिया होगी लटर बटर जितने भी हैं अब वो भी होगी बीच में, मैं यार पता क्या है, ये हमसे फायदा उठा रहे हैं और हमारे इंडियन समझ नहीं रहे, मेजर गौरव आर्या बहुत जल्दी समझ गए लेकिन उन्होंने फिर भी इन पोरकियों का बड़ा फायदा करवाया, 2-2 लाख तक सब्सक्रिप्शन बढ़ा दी, इस चीमे की भी इनको कहां से मिलती है, अब चेक कर लेना सर्च मारना जोर लगाना दिमाग पे, ठीक है 70-80% इंडियन व्यूज मिलते हैं और 70-80% इंडियन सब्सक्राइबर हैं, रीजन उसमें से 50% जो सब्सक्राइबर जाते हैं रीजन कैसे जाते हैं, मेजर गौरव आर्या की वजह से इनके पास गए, ये सुमित पीर साहब की वजह से इनके पास गए, ठीक है और जितने भी हमारे यहां से जाते हैं ना उनकी वजह से पीछे पीछे हमारे सब्सक्रिप्शन चली जाती है, व्यूशिप चली जाती है, और ये इनका फायदा उठाया इन सूअर के बच्चे ने, इसकी शक्ल देखो, इंडियन को किसी को समझ नहीं आता, सुमित पीर साहब को भी पता नहीं, अब सुमित पीर भाई को अभी पता नहीं समझ आया या नहीं आया, ठीक है और दूसरी बात ये वहां से सीखते हैं कि ये इंडिया वाले करते क्या हैं, और हमारे इंडियन बड़े चौड़े होकर उनको अपनी तरीके बताते हैं कि हम ये करते हैं हमने, अच्छा फिर ये सीखते हैं कि तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है तो ये सीखते हैं कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कैसे, ये चीमचू जैसे ये पूरी लॉबिंग करता है अमेरिका में बैठ के, पूरी लॉबिंग करता है, यानी कि आपने सुन भाई ये दिस इज समथिंग न्यू, आप समझते हैं कि somehow बीबीसी पाकिस्तान एंड जो कुछ एमपीज हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये इन्वॉल्व है, सो इन अदर वर्ड्स आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने बीबीसी को पैसे दिए होंगे या पाकिस्तान ने बीबीसी ये काम करवाया है, am I right? मैं समझा,
मैं समझा देता हूँ पीर भाई, आप तो बाद में समझाना। ओ पुर की सुन, ठीक है, तुम अपनी जनता पे उतने पैसे नहीं लगाते जितने तुम आतंकवाद और ऐसे प्रोपोगंडा के लिए पैसे खर्चते हो, इसीलिए तुम्हारी कंट्री सालों हराम के पिल्लों मरी हुई है। ठीक है, अगर तुमने यही पैसा साला बीबीसी को या फिर अपने आतंकवादियों को ना दिया होता ना तो सर्वाइव भी कर जाते। ये बड़े तरीके से पूछ रहा है। हाँ तो तुम लोगों ने किया है, इसलिए स्माइल कर रहा है कि हाँ हमने को कांड कर दिया, लेकिन इनको पता नहीं है कि इंडिया तुम्हारी ऐसी चूड़ियां कसेगा ना सालों, जिंदगी में याद रखोगे। देखिए किसने किसको पैसे लिए, किसने किससे पैसे लिए, ना मुझे पता, ना मैं उस पर कुछ कमेंट कर सकता हूँ, मैं मेरे सामने तो हुआ नहीं। बट मैं सिर्फ एक जियो पॉलिटिक्स में चीमा साहब आपको तार जोड़ने पड़ रहे हैं। एक तार दिख रहा मुझे, एक डॉक्यूमेंट्री 22 साल बाद नमूदार होती है, तब होती जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज रबिश दिस केस। उस डॉक्यूमेंट्री की औकात उसके, उस डॉक्यूमेंट्री की औकात उसके पार्लियामेंट में कुछ नहीं है। वो जो हवा जहाज उड़ने वाला था उससे पहले उसके प्राइम मिनिस्टर उसके वो जो हवा टायरों की हवा निकाल के पंचर कर देता है। लेकिन पर सुनिएगा सर, पर यहाँ ISPR बड़ा इंटरेस्टेड है। शक्ल देखो इसकी, सुअर की चीमे की, ठीक है, शक्ल देखो, जब थोड़ी सी चूड़ियां कसनी शुरू होती है इसकी शक्ल देखने वाली होती है। पाकिस्तान मीडिया इसको उछालने में बड़ा इंटरेस्टेड है, और वो जो MP है वो भी पाकिस्तानी मूल का है। मतलब मैंने एक चीज छोड़ दे, मैं अभी आपको आ रहा हूं, अभी मैं थोड़ा सा एक बात करना चाहता हूँ, सुनना एक सेकंड, इसके बाद सुनना। टू मेनी कोइंसिडेंसेस आर नेवर ट्रू जी। सुमित भाई, करण थापड़ भी पाकिस्तानी है, दिवायर भी पाकिस्तानी है। सुना आपने ये कैसे यूज करता है सुअर, ठीक है, वायर। वो बंदा थापर जो है मैंने देखा है, ठीक है, वो बड़ा लेफ्टिस्ट बंदा है, बड़ा अजीब सा बंदा है वो, ठीक है, वो पाकिस्तान की बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। अब इसने क्या किया कि उसको उठा लिया, तभी मैं बोलता हूँ ना ये अमन की आशा वाले, हमारे में भी साले दरवाजे अंदर से खुलते हैं। ये ऐसे यूज करते हैं सुअर। सुअर कैसे गंध को यूज करते हैं, सुअर ने देखा कि यहाँ पे एक वायर नाम का चैनल है, वो गंध को, मैं सुअर को क्योंकि गंध पसंद है, इस ये सुअर है इसको गंध पसंद है, तो इसने वही गंध दिखाने, गंध वाले कूड़े को उठाया और उसको बोलना शुरू कर दिया। और जिन लोगों ने जैक स्ट्रॉ को बुला के इंटरव्यू किया, ये इस्लामाबाद बेस्ड है, लंदन बेस्ड है, वॉशिंगटन बेस्ड है, दिल्ली बेस्ड है, मुंबई बेस्ड है। मतलब एक तो चलो ठीक हो गया, पाकिस्तान कनेक्शन तो मुझे समझ आ गया, भारत है। वैसे मजे की बात बताऊं, आज पाकिस्तान के एनर्जी मिनिस्टर ने कहा है, वो जो कल बिजली गई है ना, इसमें कोई फॉरेन कनेक्शन लग रहा है। देखा फॉरेन कनेक्शन, साले की शक्ल देखो साले, जब तुमसे तुम फेलियर हो जाते हो, उसने किया है, उसने किया है, उसने किया है, ड्रामे कर रहा है ना, ये बड़ा हरामी है। मैं आप देखिए, जैसे ये ऐसी है, जिस तरह आप अभी कह रहे हैं ना बीबीसी में पाकिस्तान कनेक्शन है, ये बिजली भेजने में ऐसी है जैसे भारत कनेक्शन होगा या कोई और कनेक्शन होगा, जो यहाँ पे SOB हमें पता है यार, हम भी थोड़ी इन्हीं सड़कों गलियों की छान खाते रहे हैं। और देख सुअर कहाँ पे खाकेगा छान, सुअर तो गंद में रहेगा, तो तुम तो सुअर हो, इसलिए तुम कूड़ेदानों की जो छान है ना वो खाकते रहे हो, अपनी जुबान पे आप ही बोल रहे हैं। कौन क्या कह रहा है, उधर की सरकार कितना सच बोलती है और आपकी सरकार कितना सच बोलती है। एक हमारी सरकार तो जितना सच बोलती है, तुम्हारा तुम्हारी सरकार या तुम्हारे फौजियों की तरह या तेरे सुअर की तरह झूठ नहीं बोलती, इतना झूठ नहीं बोलती कि जितना तुम लोग हो, ठीक है। सुअर कहीं करण थापड़ जो है, ये करण वायर जो है, करण थापड़ तेरा सड़ा नजायज बाप है, तू नजायज बच्चा है करण थापड़ का, करण थापड़ लगा रखा है कौन है करण थापड़, उसको तो कोई चैनल पे नहीं बैठाता, जिसको कोई चैनल पे नहीं बैठाता वो अपना YouTube चैनल खोल के बैठ जाता है, इंडिया में तो ये है, थप्पड़ है क्या। देखिए सारे मीडिया ने बंद किया, दिस इज अ मैसेज समझ भाई, मैं और आप सारा टाइम हम मेन स्ट्रीम टीवी पे भी बैठते हैं, ठीक है, मैं भारत के मेन स्ट्रीम टीवी पे बैठता हूँ, इंडिया टूडे, CNN, न्यूज 18, टाइम्स नाउ, अपने मेन स्ट्रीम टीवी पे बैठता हूँ, अपना सोशल मीडिया भी हम करते हैं। आपको नहीं लगता कि जितना बड़ा सोशल मीडिया बड़ा हो चुका है, मेन स्ट्रीम मीडिया की क्या वैल्यू रहेगी। तू अपनी माँ MC करवाने आता फिर इंडिया चैनल पे, अगर कोई वैल्यू नहीं रही, और मेरे को तो मेरी तो रिक्वेस्ट है अपने चैनल्स पे पोर्के को बिठाने की, यार क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, जब हमारी पॉलिसी क्लियर है कि इंडिया बात करना नहीं चाहता, तो यार हमारे एनालिस्ट, हमारे जो चैनल वाले हैं, क्यों बिठाते हैं इनको,
इनको बायकॉट क्यों नहीं करते? वैसे तो बड़ा बोलते हैं चैनल वाले, हम पाकिस्तान को ऐसा कर देंगे, हमने नहीं बुलाना, हमने ये नहीं करना चैनलों पे नहीं। ये बोल दिया ना इसने, मेरे को बुलाते हैं, मैं मेन स्ट्रीम की, और दूसरी तरफ से ये भी बोल रहा है कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है, फिर अपनी एमसी करवाने आता है यहाँ पे, सड़क सुअर का लाद बच्चा। लेकिन इंडिया के अंदर 1000 चैनल होगा सुमित भाई, लेकिन 1000 चैनल के अंदर किसी की जरूरत नहीं है कि वो जैक स्ट्रॉ को बुला सके, लेकिन करण थापर ने अपने यूट्यूब पे बुला के क्या पैगाम दिया? आप नहीं समझते अब करण थापर और दी वायर पाकिस्तानी है, एक बात बताइएगा। और दूसरा, इस तरह का ये साले ऐसे वायर चैनल खोल के बैठे वाले ना, वायर वायर तारे, इनकी तारे अंदर घुसेड़नी पड़ेंगी, इन्हीं की वजह से साला हमारी ये ले दिया ना नाम साला। ये होता है आजादी, फ्रीडम, आजादी, आजादी के नाम पे साला हमारे पिछवाड़े पे घुसड़ा देते हैं ऐसे वायर वाले, और हमारे चैनलों को बोल रहे हैं 1000 चैनल को कंट्रोल करते हैं हम। ये इनका मेंटेलिटी ये है कि जैसे पाकिस्तान में कंट्रोल किया जाता है, ऐसे पूरी दुनिया में ना सारे चैनल ही कंट्रोल किए जाते हैं। इसको ये सूअर के हालात को ये लगता है, ये वायर जैसे बिजली करवाते हैं ये निजाम। जब स्टेट टीवी तो कंट्रोल कर सकती है, कुछ ट्वीट तो कंट्रोल कर सकती है, इस मैं देखिए, मैं ये नहीं कहता कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कहना चाह रहा कि वो मत कर रहे हैं, आई वोंट से दैट। तो क्या कहता, देख सुअर के बच्चे तेरे ऐसे घुसेड़ देंगे ना, सुअर चीखता है ना जब उसकी मौत आती है तो चीख कैसे चीखता है, ऐसे चीखे निकाल देंगे तेरी। बस मुझे मैं जो चीज कहना चाहता हूँ कि चीजें छुपती नहीं है, तो कैसे डेमोक्रेसी भी होके और कर भी करेंगे। तो ये पहले जैक स्ट्रॉ को द वायर का लाना और करण थापर के बारे में बताइए सुमित भाई, क्या ये पाकिस्तान है या आईएसपीआर ने इनको पैसे दिए? नहीं, मैं आता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपने बोला, देखिए प्रोपोगंडा को रोकना बहुत जरूरी होता है। प्रोपोगंडा का आइडिया क्या होता है? आइडिया देखिए, आप मोदी जी का तो कुछ ना बिगाड़ पाएंगे ना उखाड़ पाएंगे, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आप क्यों करें, आप ये जो स्माइल देखो कैसे कर रहा सुअर, आम शहरी उसके दिमाग में आप शक के बीज बोए रहे, आप उसके दिमाग को कंट्रोल और पोल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप भारत में हिंदू मुसलमान करवाने की कोशिश कर रहे हैं इलेक्शन से पहले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान बिल्कुल इलेक्शन से पहले एक बहुत बड़ा हादसा हो जाए, और जो मैं डीप स्टेट बोलूंगा, डीप स्टेट इज इंटरनेशनल कबाब बाय द वे, इट्स नॉट पाकिस्तान डीप स्टेट, इंटरनेशनल, आप चाहते ये हो जाए। आप यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब कोई, अब अगर मीडिया में ताकत नहीं है, मीडिया की कोई औकात नहीं बची, सारी औकात वायर और करण थापर साहब की बची, तो फिर तो आपको खुश होना चाहिए भाई, उन्होंने इंटरव्यू कर लिया, बात हो गई, फिर तो जनमानस को पता लग गया। हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ हम ब्लेटेंट प्रोपोगंडा चलने दें, वो चलने दें जो सर से पैर तक जो उठे, हम अपने सुप्रीम कोर्ट का अपमान से और उसको टीवी पर चलाएं, हम अपने जुडिशियरी का, अपने लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम का अपमान से और उसको जुडिशियरी पर चलाएं, और 22 साल जो इन्वेस्टिगेशन हुई हो, अगर ऐसी चीजें फैलना हो, अगर ऐसी चीजें होने लगी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया वेब न्यूज़ पर। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि चीमा ने बहुत बड़ी गलती कर दी और कहा कि बीजेपी सरकार ठीक वैसे है जैसे पाकिस्तान में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है। सुमित साहब ने बिल्कुल सही जवाब दिया, सटीक जवाब दिया और तोड़ कर रख दिया है पाकिस्तानी पत्रकार को। वहीं पर आज इसी पर भारत सरकार ने भी एक बयान जारी करके कहा है, और उन्होंने कहा कि ये एक प्रोपेगेंडा पीस है और इसकी कोई भी वस्तुनिष्ठा नहीं है और ये पक्षपातपूर्ण है। अब बात यह है कि नरेंद्र मोदी पर ये जो बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाया है, इस पर विदेश मंत्रालय ने अपनी फाइनल प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने ये कहा है कि ये लगता है कि ये एक प्रोपेगेंडा पीस है और इसकी कोई सत्यता नहीं है और ये एक पक्षपात पूर्ण तरीके से बनाया गया है। दोस्तों, डॉक्यूमेंट्री सीरीज में यूके के पूर्व सचिव जैक स्ट्रॉ द्वारा की गई टिप्पणियों का जिक्र करते हुए बागची ने कहा कि ऐसा लगता है कि वो यूके की कुछ आंतरिक रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, मैं उस तक कैसे पहुंच सकता हूं, ये 20 साल पुरानी रिपोर्ट है। ब्रिटेन के राष्ट्रीय प्रसारक बीबीसी ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल पर दो भाग की श्रृंखला प्रसारित की थी। अब जिस तरह से लोग इस पर बात कर रहे हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं, लोग इसका प्रदर्शन कर रहे हैं, जाहिर सी बात है जिस बात को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल एक तरह से खारिज कर दिया है कि इसमें कोई सत्यता नहीं है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी तरीके से बरी कर दिया है इस मामले में, लोग उसकी सत्यता पर एक तरह से निशाना साध रहे हैं, उस पर सवाल उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की ये सबसे घटिया साजिश है और साथ ही साथ ये जो पाकिस्तानी मुल्क के कुछ लोगों का भी इसमें जिक्र सामने आ रहा है कि शायद वो इस तरह की चीज़ों में वो उनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, तो
जाहिर सी बात है 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं, तो उससे पहले मोदी जी की जो छवि है उसको एक तरह से धूमिल करने की कोशिश जो कि हमेशा से होती रही है और एक बार फिर से कहीं ना कहीं विपक्ष और जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इसका असर जो है वो 2024 के इलेक्शन पर कहीं नहीं पड़ने वाला है। अभी हाल में ही मैं एक कुछ लोगों से मिला था और उनके जो कहीं ना कहीं बीजेपी सपोर्टेड नहीं थे, दूसरी पार्टियों के थे, लेकिन उनका भी कहना है कि जहाँ पर बात आती है देश हित की, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रधानमंत्री मोदी जैसा कोई भी व्यक्ति इस भारत देश में नहीं है जो प्रधानमंत्री की कुर्सी को संभाल सके। तो जो दूसरे पार्टी को सपोर्ट करते हैं उन लोगों का भी अगर ये कहना है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं 2024 का जो इलेक्शन है वो मोदी जी के पक्ष में ही जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो जिसको जो कर रहा है करो, लेकिन कम से कम इन सब चीज़ों की वजह से अपने देश का नाम खराब मत करो। और ऐसे जो कंटेंट जो दूसरे देश के जो मीडिया हाउसेज है वो बनाते हैं, भाई उसको सपोर्ट मत करो। आप सभी से यही गुजारिश है, उसका बहिष्कार करो। जय हिंद। तो यहाँ होगी वीडियो खत्म। मैं सिर्फ बहुत लंबी होगी वीडियो, मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ। ये देखो, ये ऐसे हैं कि हम इंडियंस बस रिप्लाई, इसका दुनिया काम कांड करती रहती है, पाकिस्तान कांड करता रहता है और हमारे यहाँ से स्टेटमेंट सिर्फ अपनी डिफेंस में जाती रहती हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है डिफेंस का टाइम खत्म हो गया हिंदुस्तानी भाइयों, ऑफेंस बनना सीखो। हम भी डॉक्यूमेंट्रियाँ बनाएं, हम भी ऐसे काम करें, ठीक है? लेकिन पता नहीं सरकार कहाँ सो रही है, बस ऐसे जवाब देते रहो। और ये अब हो गया ना शुरू, मैं आपको कैसे बोलता था कि यबजेपुर की अपना चैनल ग्रो कर लेते हैं या कुछ कर लेते हैं फिर ये इन्फ्लुएंस करना शुरू कर लेते हैं। पहले मीठे मीठे बन के इन्होंने अपना चैनल ग्रो किया और उसके बाद इन्होंने अब इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया। चीमा और इनके जैसे इंडियन के इंटरनल मामलों पे बीबीसी की बात है यार, इंडिया की बात है। तुम पोर्की साले कहां पे स्टैंड करते हो, तुम्हारी औकात क्या है, ठीक है? और इनको पोक करना है। और जितने भी आपने देखा होगा ना, जितने कमेंट आया बाहर से, मैंने पहले बोल चुका हूं बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, सब पोर्कियों के ड्रामे हैं और इनका हाथ है। मैं आज बता रहा हूं आपको, मैं शुरू से ये बीबीसी की फर्स्ट जब मैंने रिएक्शन किया था मैंने पहले दिन से बोल रहा हूं कि ये पोर्कियों का बीच में कांड है। बीच में पैसे इनके पास चाहे खाने को ना हो लेकिन हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए इनके पास पैसे खुले होते हैं। पैसे खर्चते कहां पे है ये, कहीं पे भी नहीं। तरक्की पे कभी इन्होंने फैसला पैसा खर्चा फौज को दे दिया, अपने लूट लिए या फिर आतंकवादियों को दे दिए, प्रोपोगंडे की मशीन में लगा दिए। ये कांड काम है इन पुरखियों का। तो आपने आज देख लिया और एंड में भाई ने बड़ा अच्छा किया, बस डिफेंड करने का बस ये है। ये इसलिए मैं मना करता हूं कि इन जैसे सूरों के पास मत देखा करो, ये हिंदुस्तानी जा जाके वायर, अब वायर जैसे हमें चैनल इंडिया की पॉलिसी सेट करवा रहे हैं, ये पुरखियों से मुंह से कलवाना। और हमें गालियां निकालनी पड़ती है इन जैसे सूरों को, पुरखियों को, इन वायर जैसे के साले। अपनी यहां पे इंडिया में इनकी कोई औकात नहीं होती, अपना चैनल बनाओ और पूरी दुनिया में फैलाओ साला। अपना 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 मकसद करते हैं ये, देश देश इनके लिए कुछ नहीं है। अब जब यार जब पीएम मोदी की जगह मनमोहन सिंह हो, मैं कहता हूं राहुल गांधी हो, क्यों करना यार अपने अपने पीएम को डिफेम। हम अपना प्रोपेगेंडा सहते रहे और हम इस पे काम ही नहीं करते। तो मैंने आज आपको कमरू चीमू का सुअर का असली चेहरा दिखाया है। ये है एक्चुअली में जो इनको बहुत ज्यादा खुजली उड़ती है ना, कमर चीमा आरजू काजमी, आप तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, आप तो आलिया, आप तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, सब ड्रामेबाजी है, सब झूठ है, क्यों फंस जाते हो इनके जाके चुंगल में। तो मेरी यहां तक थी वीडियो, अगर मेरे आपको बातें ठीक लगी, जिसने पूरी वीडियो नहीं देखी देख लेना, मेरा इसमें फुल मेरे व्यूज निकले, फुल मेरी रिएक्शन निकला है, इस पूरी वीडियो देख लेना आपको समझ आ जाएगी। तो यहां तक की वीडियो, अगर हिंदुस्तानी की शर्म आती होगी ना, हिंदुस्तानी भाई की शर्म आती होगी कि हमें जो नए आ रहे हैं देख के निकल रहे हो, मेरे को पता है कि देख के निकल जाते हो, अगर शर्म आती होगी तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना, हौसला बढ़ा देना, वरना जरूरत नहीं है भाई। एक आए एक करोड़ भी आ जाए यहाँ पे व्यू, मेरा काम है कि अपने हिंदुस्तान को एकजुट करना, समझाना हिंदुस्तानियों को, इन पुरखी सूरों से दूर लेके जाना। मेरी लैंग्वेज जरूर गंदी है, मेरी लैंग्वेज ऐसी ही है इन सूरों के लिए, औरों के लिए मेरे मैं शहर से भी ज़्यादा मीठा हूँ, शहर से ज़्यादा मीठा हूँ और पहाड़ से ज़्यादा पता नहीं क्या क्या। चलो छोड़ो, वो तो गंदी बात हो जाएगी। चलो यहाँ तक थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।